तो फ्रेंड मैं हूँ विश्वास, आज हमारा कॉल यहाँ है कहीं पे से होगा बगल में चंडीपुर, तो अभी चलते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो पहले से ही बना लेता हूँ कि पूरा लोकेशन भी जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कवाली की दुकान है चंडीपुर में, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कब निकला साहब? है निकला, अभी निकला, मैं बताता उधर से जाना। अरे बता दो खाली कहाँ है, इधर से जाओ। अच्छा यहीं पे है, तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक कोबरा है जिसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। और मैं इससे पहले भी दो बार आया था यहाँ पे रेस्क्यू के लिए, तो प्रॉपरली मुझे सांप मिल नहीं पाया था उस टाइम और ये एक बिल में चला गया था। तो ऐसे सांपों को देखने से हर किसी को सांप के तो नाम सुनते ही डर लगता है और सांप देखना तो बहुत दूर की बात है। तो वैसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फन फैला रहा है। भैया देखा किसने था तुमको? हमने देखा था। अरे आपने देखा था, यानी कि आज का बिना नहीं है जिन्होंने देखा था पहले। तो ये सांप हाइबरनेशन में ऐसा गोडाउन में अधिकतर रहा करता है क्योंकि ये ठंड का टाइम है, थोड़ा बहुत धूप सेकने के लिए निकलेगा, फिर ये वापस अपने आसियाना बना लेता है जहाँ पे ये रिटर्न चला जाता है। तो फ्रेंड फाइनली ठंड में तो बहुत ही शर्मगंज बहुत ही कम होता है लेकिन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उस टाइम इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है सांपों का और इनके भूख भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड इस तरह अगर आपके घर में भी ऐसा सांप अगर कभी घुसे तो आप अपने आसपास नजदीकी सर्प मित्र को फोन कीजिए ताकि वो सांपों को सही सलामत रेस्क्यू करके और अनुकूल वातावरण में रिलीज करें। तो फ्रेंड
अभी हम इसको सही सलामत इसको पैक करेंगे। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, जिस डब्बे में हम इसको पैक करते हैं तो उसमें होल पहले से ऑक्सीजन के लिए बना के रखते हैं। ये कई लोगों का कमेंट आता है क्योंकि हमारा कैमरा जो कि डब्बे को कैप्चर नहीं कर पाता है, जो छोटे मोटे होल होते हैं, इसलिए हमने इसमें कम से कम 8 से 10 होल बना के रखे हैं और अभी इसी में हम पैक करेंगे। जो आप देख सकते हैं हाथ में इतना बड़ा डंडा है, तो चाहे मार भी सकता था, लेकिन ये एक इंसान की इंसानियत होता है जो कि जीव जंतु इस तरह का। आप भी जीव जंतु से प्यार करते हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करते हैं। तो फ्रेंड एक बार पहले देख लेते हैं, अगर दूसरा मिलता है तो जोड़ा समेत लेके जाएंगे, वरना खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, एक को साथ में लेके ही जाएंगे। इसको छूना मत कोई, ठीक है? देख ले रहे हैं छोड़ेगा बहुत ज्यादा इससे थैंक यू हमें यार। हम रात को सोते थे वापस में यार, तो फ्रेंड दूसरा स्नैक हमें मिल नहीं पाया। हम इसको भी जाएंगे फॉरेस्ट में, और जहाँ पे मैंने आज चंडीपुर का रेस्क्यू है मेरा, चंडीपुर से जस्ट 2 किलोमीटर आगे वहाँ पे फॉरेस्ट का करेंगे रिलीज। तो फ्रेंड रिलीज का वीडियो भी आप जरूर देखें। अभी 1 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद इसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। तो फ्रेंड पहुँच चुके हैं फॉरेस्ट में, अभी निकालते हैं अपना हथियार। तो फ्रेंड सबसे खुशी का पल वो होता है कि जहाँ से हम रेस्क्यू करते हैं और इसको सही सलामत, तो हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि ये सब हमेशा लोग इन्हें मार देते हैं, तो उनके हाथों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये फॉरेस्ट में अभी यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए कि उसके अंदर वो कितना गुस्से में है। ऐसा लग रहा है कि इसको हम निकाल छोड़ देंगे यहाँ पे तो खा जाएगा हम लोगों को। तो फ्रेंड फाइनली हम यहाँ पे तो फ्रेंड जैसे कि वहाँ पे वीडियो में आपको दिखाया गया कि वहाँ पे कई सारे मजदूर और कबाड़ी के दुकान में वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इत्तेफाक ये सब चीज गरीब लोगों के साथ ही होता है स्नैक बाइट। तो ऐसा भी हो सकता था कि कोई उठाते उठाते किसी को स्नैक बाइट हो भी सकता था। चलो उसने समय से हमें कॉल किया है और हम भी समय से पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ये बात, तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये एक स्पेक्टिकल कोबरा जिसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा। तो फ्रेंड आपको एक चीज और कह देता हूँ कि सांप कभी भी बाइट करता है तो कभी ये ड्राई बाइट भी करता है और कभी ये काटने के बाद जहर भी छोड़ता है। तो इसके एक बूंद जहर में कम से कम 18 से 20 आदमी को मारने में सक्षम है क्योंकि इसका जहर बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। और सांप जो होता है वो 3 मीटर लमसम 3-4 मीटर के आगे वो ब्लर यानी कि जैसे पोर्ट्रेट मोड पे हम फोटो खींचते हैं उस प्रकार से वो दिखता है, लेकिन इसके आंखों में ब्लैक और वाइट चीज बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। ये जैसे इंसान के आंखों में कलाकोन्स होता है जो कि हम हर कलर को पहचान सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं, हर चीज को पहचान सकते हैं, और सांपों में कलाकोन्स ना के बराबर होता है क्योंकि वो ब्लैक और वाइट चीजों को बहुत ही ज्यादा फोकस कर सकता है। तो फ्रेंड फाइनली हम निकाल देते हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड फाइनली हम इसको इनके नेचुरल हैबिटेट में कर देते हैं रिलीज, जिसे कहते हैं हिंदी में अनुकूल वातावरण में कर दिया रिलीज इनको, जाने दो उनको आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड अब स्पीड वो बढ़ जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।